कराची जिला बस्ती में कायम मशहूर जमाना असगर अली शाह स्टेडियम में दूसरा आल कराची हाजी मूसा इस्माइल एधी मेमोरियल टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का दिलचस्प इनेकाद किया गया। कराची के 12 से 14 मदारिस की टीमों के दरमियान टूर्नामेंट खेला गया। यह टूर्नामेंट नॉकआउट सिस्टम की बुनियाद पर खेला गया था। इस टूर्नामेंट की रूह रवा मरहूम और लेजेंड स्पोर्ट्स लवर माहिर आर्थोपैथिक सर्जन डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह की अहलिया बेगम अस्मा अली शाह थी, जो कि एओ स्पोर्ट्स क्लब की चेयरपर्सन भी हैं। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट समाजी व फलाही शख्सियत हाजी रफीक परदेसी थे। इस मौके पर अस्मा अली शाह ने उनकी शिरकत पर वेलकम कहा। मैच के मेहमान खसूसी मजेदार हलीम के रूह रवा मोहम्मद हनीफ खान, मुमताज कारोबारी शख्सियत मास जी, इस्लामी स्कॉलर मौलाना आजाद जमील, बाबाई क्रिकेट प्रोफेसर सिराज इस्लाम बुखारी, टूर्नामेंट के सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर इकरामुल्ला, बैनुल मदारिस स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन आमिर नजीब, डीएफ के गुलाम नबी निजामानी और आज न्यूज के अमजद अली समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शानदार टूर्नामेंट का इफ्तिताह प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हाजी रफीक परदेसी ने किया। मैदान में उतरकर क्रिकेट खेला और शानदार छक्का भी लगाया। बेगम अस्मा अली शाह ने तमाम आने वाले मेहमानों का और बतौर खास हाजी रफीक परदेसी की शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खिदमत का ये सिलसिला सालों साल से मेरे मरहूम शोहर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने मेरे साथ मिलकर शुरू किया। अब इस काफिले में मेरे साथ मेरे दो बेटे डॉक्टर इमरान अली शाह और डॉक्टर जुनैद अली शाह भी शामिल हैं और वो बराबर स्पोर्ट्स, हेल्थ और दीगर समाजी व फलाही कामों के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि डॉक्टर इमरान अली शाह ने इस मौके पर ग्राउंड का दौरा किया और क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई भी की। मदरसा तालिमुल कुरान नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जे ने नॉकआउट बुनियाद पर खेला गया टूर्नामेंट जीत लिया। इस मौके पर ऐलान किया गया कि ईद उल फितर के बाद ट्रॉफी की कामयाबी की खुशी में शानदार तकरीब मुनक्किद की जाएगी।